कैंट थाना क्षेत्र में हुई दवा व्यापारी के लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट के 30,000 रुपए, 32 बोर का एक देसी रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान चौरीचौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार निवासी आरफिन शहनवाज पुत्र आफताब आलम के रूप में हुई है, जिसके ऊपर जिले के विभिन्न थानों में 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि तारा मंडल के पास स्थित सारा स्टेट के पास से जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, लेकिन मुस्तैदी दिखाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, एसपी सिटी ने बताया। भाई आप लोग थोड़ा सा अंदर आ जाए, दिखा रहे हैं होली चल के आंखें भी बंद हो जाती है। शुरू कर लीजिए भैया। दिनांक 19 मई की रात में बेतियाहता के एक दवा व्यापारी से रात में लगभग 10 बजे के बाद अपाची मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा असलाह दिखा के लगभग 1,00,000 रुपए की लूट कर ली गई। तो इस सिलसिले में पुलिस के द्वारा अनावरण के प्रयास किए जा रहे थे। हम लोगों ने जितने भी हमारे संसाधन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मैनुअल हर चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस की तलाश जांच जारी थी। कल इंस्पेक्टर कोरावार स्वाट की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो अपराधी सफ़ेद अपाची मोटरसाइकिल से दिखे, उनको रोकने का इशारा किया गया। इन लोगों ने पुलिस टीम पे फायर किया। एक आदमी मोटरसाइकिल गिरने के बाद पैदल भाग गया, दूसरा पकड़ा गया जो दुर्दांत अपराधी है। उसका नाम आरफिन शाहनवाज पुत्र आफताब आलम, निवासी मंडल मुनेरा बाजार थाना चौरीचौरा। इसके ऊपर पूर्व से 15 मुकदमे पंजीकृत हैं और तमाम अन्य साक्ष्यों से भी इसकी उपस्थिति मौके पर और शहर में दर्शित हो गई। पूछताछ के बाद इसने स्वीकार किया कि व्यापारी के साथ जो लूट हुई थी, इन लोगों ने लूट किया था। इनके एक साथी शहर में रहते हैं, डेविड धीरेन्द्र डेविड, जिसका भी अपराधी का इतिहास अच्छा खासा, इन लोगों ने लूट किया था। और एक अपराधी है अंकुर सिंह, जिसने मुखबिरी किया था। 307 में गोरखनाथ थाना से वांछित भयंकर थे अंकुर सिंह की मुखबिरी थी और मौके पर उन्होंने पहचान कराया व्यापारी को। डेविड और यारफिन शाहनवाज आरफिन ने मिलकर लूट किया था, इन्होंने स्वीकार कर लिया। शाहनवाज आरफिन के बारे में मैंने बता दिया कि दुर्दांत अपराधी, लगभग 15 मुकदमे पंजीकृत थे। और जिस अपाची मोटरसाइकिल से उन्होंने घटना किया था लूट किया था, वो अभी एक महीने पहले इन लोगों ने लूट की घटना कारित करने के लिए फाटा कोतवाली के सुरौली बाजार से उस गाड़ी को चोरी किया था। और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इसने एक शिक्षक द्वारा 4,00,000 रुपये की सुपारी लिया है सलेमपुर थाना क्षेत्र में देवरिया जनपद के एक शिक्षक को मारने के लिए, और उस शिक्षक द्वारा इसको 60,000 रुपये अग्रिम एडवांस दिया भी जा चुका है। इस संदर्भ में जनपद देवरिया के अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। उस शिक्षक की जान भी हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे और अब उसकी जान बच जाएगी। तो ये इसका अपराधी के इतिहास लूट के रुपये 30,000 बरामद हुए। इनके द्वारा बताया गया कुल लगभग उसमें 95,000 रुपये थे, जिसमें इनके हिस्से में 30,000 रुपये।